अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। आपने यहाँ पे टैली नाइन ओपन किया, आप स्केप करते हैं, इस टाइप से आपके सामने कंपनी ओपन हो जाती है। अल्ट प्लस F1 से अपन इस कंपनी से बाहर चलते हैं। आप यहाँ पे सी प्रेस करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे आज अपन कंपनी बना लेते हैं महासर ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है? आपने इस नाम से कंपनी बनाई, एंटर करते हैं। यहाँ पे अपन एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर देंगे कंपनी की। अब आपने यहाँ से इसमें पूरे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करके से आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आपकी कंपनी बन गई। अब आपसे क्या हो गया, स्टेप की प्रेस देगी। अभी आपको यहाँ पे कंपनी का नाम से हो रहा है। अभी अपन कहाँ पे है, कंपनी के अंदर अंदर यहाँ पे लिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम शो हो रहा है। अब क्या हुआ, आपने स्टेप की प्रेस की, ऑप्शन आया यस एंड नो। अगर स्टेप करना है तो आप यस करेंगे, मतलब पूरी टैली से बाहर जाना, और नहीं जाना तो आप नो कर देंगे। लेकिन आपने यहाँ पे इसे यस कर दिया, एंटर कर दिया। अब अपन टैली से बाहर आए, यही हुआ था आपके साथ। अब आप टैली से बाहर आओ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फिर से टैली नाइन ओपन करेंगे, स्टेप का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक कंपनी ओपन हो जाएगी जो पहले से इसमें बनी रहती है। आप अल्टा के साथ F1 प्रेस करेंगे उस कंपनी से बाहर जाने के लिए। अब पहले अपन ने क्या किया था, कंपनी क्रिएट की थी जब कंपनी बनी हुई नहीं थी। अब अपनी कंपनी पहले से बनी हुई है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट कंपनी आ रहा है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, एस से भी आप सिलेक्ट कंपनी पे जा सकते हैं, वरना देखिए आपको यहाँ बता रहा है F1 सिलेक्ट कंपनी। F1 प्रेस करेंगे तब भी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी, S प्रेस करेंगे तब भी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। अपन ने कर दिया F1, आ गए आप सिलेक्ट कंपनी पे। अब इसमें पहले से बहुत सारी कंपनी थी यहाँ पे बनी हुई, अपन तो अपनी कंपनी इसमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नेम का, अपन यहाँ डालते हैं महाकाल। अब आप देखिए महाकाल के नाम से कितनी कंपनी बनी हुई है, 4। अपन ने किस नाम से बनाई थी, महाकाल ट्रेडर्स के नाम से, आ रही है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ डायरेक्शन की से इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गए। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे देखिए अपनी कंपनी बोई वाली वापस यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आपको फिर से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आइए अब आपको कर नहीं ओपन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं जी। अब आप लोग क्वेश्चन बोलिए, सोल्व करवा देते हैं। बोलिए मैं क्या बोलूँ क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक लोन। अपन ने यहाँ पे पहले दो लेजर बनाई ALC से, कैपिटल अकाउंट अंडर में आ जाएगा ये आपका कैपिटल अकाउंट में, एंटर करके सेल बना लेंगे आप कैपिटल से लेकर। एक बनाएंगे अपन यहाँ पे बैंक लोन का, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अंडर में आएगा लोन लाइबिलिटीज में, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे, एंटर करके सेव। अब अपन SJFT से बैच चलते हैं। SJFT का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए आप V प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F6 से रिसीव वाउचर में, 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट अमाउंट 5 लाख, फिर एंटर करेंगे इसे यहाँ पे फिर से 2 करेंगे, 2 में लिखेंगे बैंक लोन 5 लाख, 5 लाख का, तो बाय में आ जाएगा केस, कर लेंगे एंट्री, एंटर करके सेव। सेकंड बोली माल खरीदा है, एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर में, यहाँ पे अपन S वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नगद माल है तो 2 में क्या आ जाएगा केस, कंट्रोल प्लस N करते हैं, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। 65 था ना, 65,000 पे अपन तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कितने परसेंट, 4% मल्टीप्लाई 4 / 100, कितना अमाउंट आ जाएगा 2,600। अपन 65,000 में से माइनस कर देंगे 2,600, तो अमाउंट आएगा 62,400। अब इस पे अपन को कैश डिस्काउंट भी मिला है, तो आप निकालेंगे 62,400 पे कैश डिस्काउंट,
मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आएगा 3120। आप इसमें माइनस कर देंगे 62,400 में से 3120, अमाउंट आएगा 59,280। जीएसटी सामने आप डालेंगे 59,280, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद बाय में आ जाएगा परचेज। अल्टे प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा, एंटर करके सेव। इसमें अपन अमाउंट डालेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 62,400 और 2 में आ जाएगा डिस्काउंट। अल्टा प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट आपका परचेज वाला है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,120, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कैश से पे किया है, फोन पे से। एंट्री अपन करें F5 से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपन इसे पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस से पे कर रहे हैं, एंट्री किस में आ जाएगी, पेमेंट वाउचर में। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम किस में आता है, बाय में। अल्टा प्लस सी से इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेजर बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 5,000, 10,000। अब 2 में क्या आएगा, बैंक, क्योंकि अपन ने कैसे पेमेंट किया है, फोन पे से। अल्टा प्लस सी से बैंक का लेजर बना देंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके सेव। क्लियर है, कर लेंगे एंट्री, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलिए, अब देखिए, अब आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं, माल अपन खरीद रहे हैं, तो एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर में। अब आप किसमें एंट्री कर रहे हैं, इनवॉइस में, ठीक है। यहाँ पे अपन का इनवॉइस सिलेक्ट है, अब पार्टी अकाउंट नेम में लिखेंगे केस, नगद माल है, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज। अब आप देख रहे हैं, अभी अपन ने स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किए थे, अब यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं स्टॉक आइटम पे, अपन प्रेस करेंगे अल्टे प्लस सी। नाम बोलो, सैमसंग मोबाइल है, स्टॉक आइटम में नाम लिखेंगे सैमसंग, यहाँ डाल देते हैं सैमसंग मोबाइल, ठीक है। अंडर में इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, मोबाइल। अल्टे प्लस सी से इसका ग्रुप बना लेंगे, मोबाइल। अंडर में आ जाएगा इसका ग्रुप प्राइमरी में, एंटर करके सेव। यूनिट क्या हो जाएगी, पीसेस। अल्टा प्लस सी से यूनिट बना लेंगे, पीसेस, एंटर करके सेव। क्लियर है, एंटर करके सेव करेंगे। क्वांटिटी 5 पीस है, एक करें 20,000, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और आइटम भी, अब अपन जो सेकंड आइटम बनाना है, अपन प्रेस करेंगे अल्टा प्लस सी। अब आप लिखेंगे यहाँ पे ओप्पो मोबाइल, अंडर में ग्रुप अपन ने बनाया था मोबाइल, यहाँ पे बना हुआ है, अंडर में आ जाएगा मोबाइल, यूनिट हो जाएगी पीसेस, 15,000, एंटर करेंगे। और भी है, इतना ही, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए, अब नगद माल बेच रहे हैं तो एंट्री करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में। नगद माल है तो पार्टी अकाउंट नंबर में क्या आ जाएगा, कैश, और सेल्स लेजर में सेल्स। अभी अपन ने सेल्स का लेजर नहीं बनाया, अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव। आइटम के नाम, सैमसंग मोबाइल सेल्स कर रहे हैं, 3 पीस, एक कर रहे हैं 22,000, एंटर कर देंगे, यही आइटम है, ठीक है, एंटर करके अपन इसे यहाँ से सेव कर देंगे। कमीशन चेक द्वारा मिला, एंट्री अपन करेंगे F6 से रिसीव वाउचर में, ठीक है। अब 2 में क्या आ जाएगा, इनकम का नाम क्या है, कमीशन। अल्टा प्लस सी